बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा सपना, आप अपने दोस्तों के पास मैसेज कर दें, उनको इन्फॉर्म करें कि क्लास स्टार्ट हो चुका है।
अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बेटा हमने कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स भी डिस्कस किए थे, बट डिटेल में जो कल हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया था वो किया था हमने ओवरीज को। ठीक है बेटा, ओवरीज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओविडक्ट। ओके बेटा, हमने कल ओवरी में ये पढ़ा था कि ओवरी जो है ये एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये एग जो है मंथली मेच्योर हो जाते हैं और वो ओवी ओवरी से सीक्रेट हो जाते हैं और आके एंटर हो जाते हैं ओविडक्ट में। ओके बेटा, तो व्हाट आर द ओविडक्ट? ओविडक्ट आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ईच वन इज अराइज्ड फ्रॉम इंडिविजुअल ओवरी। मतलब के ओविडक्ट जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जो बेटा ओविडक्ट है ये दो ओविडक्ट अराइज होते हैं दोनों ओवरीज से। मतलब कि एक ओवरी से एक ओविडक्ट और दूसरे ओवरी से दूसरा ओविडक्ट अराइज होता है, और ओविडक्ट को हम कहते हैं इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो है फर्टिलाइजेशन की साइट है क्योंकि यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा, सिंगल पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, ये भी पेयर के फॉर्म में होते हैं। ईच वन इज कनेक्टेड विथ, इनमें से हर एक कनेक्टेड होता है। कनेक्ट होता है किसके साथ? कनेक्टेड विथ ईच ओवरी। ठीक है बेटा, ये जो है हर एक ओवरी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं और ये अराइज होते हैं ओवरीज से। ठीक है बेटा, और ये जो ओविडक्ट है इसके तीन मेन रीजन्स होते हैं। देर आर थ्री मेन रीजन्स ऑफ ओविडक्ट। नंबर वन इज इनफंडिब्यूलम। ठीक है बेटा, ये जो ओवरी है ओविडक्ट है इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, उनमें से जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज इनफंडिब्यूलम। व्हाट इज द इनफंडिबुलम? इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट एंड इट कंटेन्स फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर्स। इट कंटेन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फिम्ब्री। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ये ओविडक्ट के फर्स्ट पार्ट होते हैं और इनमें जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इट कंटेन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड फिम्ब्री। ठीक है बेटा, दीज आर कॉल्ड फिम्ब्री। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्री? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन व्हेन द एग इज रिलीज्ड फ्रॉम ईच ओवरी, दिस एग इज एब्जॉर्ब्ड और सक्ड बाय दीज फिम्ब्री इनटू द ओविडक्ट। जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो इस एग को ओविडक्ट के अंदर फिम्ब्रीज जो हैं सक करते हैं, इसको जो है
एब्जॉर्ब करते हैं और इनको लेके आते हैं ओविडक्ट के अंदर, क्योंकि ओविडक्ट जो है इसको हम कहते हैं इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है बेटा वो ओविडक्ट के अंदर होता है। ओके, एंड व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द एग एंड स्पर्म सेल्स आर फ्यूज्ड। ठीक है बेटा, तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन के टाइम पे व्हेन द एग इज रिलीज्ड, जब एग रिलीज्ड होता है ओवरी से, तो उसके बाद ये जो एग है बेटा दिस एग इज सक्ड बाय दीज फिम्बरी। ठीक है बेटा, ये जो फिम्बरी होते हैं ये एग को सक करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं बाय दीज फिम्बरी और इनको लेके आते हैं ओविडक्ट में, इनटू ओविडक्ट, इनटू द ओविडक्ट। ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना होगा कि इन्फंडिबुलम जो है ये ओविडक्ट का फर्स्ट पार्ट है और इस इन्फंडिबुलम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको फिम्बरी का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, इनको जो है हम फिम्बरी कहते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्बरी? द फिम्बरी सक द एग ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन एंड दे कन्वे दिस एग फ्रॉम ओवरी टूवर्ड्स द ओविडक्ट फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ओविडक्ट का, उसका नाम है एम्पला, द एम्पला रीजन। सेकंड पार्ट ऑफ ओवरी ऑफ ओविडक्ट इज एम्पुला रीजन। एम्पुला रीजन इज द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ ओविडक्ट। ठीक है बेटा, ये जो है ओविडक्ट का लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट रीजन होता है, और एम्पला जो पार्ट है ओविडक्ट का, ठीक है बेटा, इस पार्ट के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा, एम्पला इज द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ ओविडक्ट एंड इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ ओविडक्ट, लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ ओविडक्ट एंड इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, अब जब भी आप एमसीक्यू को हल करने की कोशिश करेंगे तो अगर इस टाइप का कोई भी एमसीक्यू आपके सामने आ जाए कि अगर उसमें लिखा हुआ हो दैट इन व्हिच पार्ट ऑफ द ओविडक्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ऑप्शन वन द एम्पला रीजन, ऑप्शन टू द स्टमस, ऑप्शन थ्री ऑप्शन सी द इन्फंडिबुलम। ठीक है बेटा, तो आपको जो है एम्पला रीजन पे टिक करना होगा। ठीक है, एम्पला रीजन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है ओविडक्ट का, उसको हम कहते हैं स्टमस रीजन, दिस इज कॉल्ड स्टमस रीजन। ठीक है बेटा, इसको हम स्टमस रीजन कहते हैं। एंड स्टमस इज द एंड पोर्शन ऑफ ओविडक्ट। ठीक है बेटा, ये जो स्टमस है ये ओविडक्ट का एंड पोर्शन होता है, जहां पे ओविडक्ट खत्म होता है तो ओविडक्ट के उस पार्ट को हम कहते हैं स्टमस। ठीक है बेटा, और ये जो स्टमस पार्ट है
ये ज्वाइंट होता है यूटेरस से, मतलब के ये कनेक्ट हुआ होता है यूटेरस के साथ। तो आप कह सकते हो कि ओविडक्ट जो है ये यूटेरस के साथ कनेक्ट हुआ होता है बाय द हेल्प ऑफ इस्थमस रीजन ऑफ ओविडक्ट, द एंड पोर्शन ऑफ ओविडक्ट ज्वाइंट टू यूटेरस। ठीक है बेटा, ये जो है यूटेरस के साथ कनेक्ट हुआ होता है। ओके ओके बेटा, सो दीज आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट। नंबर वन एम्पला, और नंबर वन इन्फंडिबुलम, नंबर सेकंड एम्पला एंड नंबर थ्री इज इस्थमस। बेटा अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है यूटेरस। व्हाट इज द यूटेरस? यूटेरस इज हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन। ये एक मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन होता है बेटा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मस्कुलर? इट मींस इट इज द स्ट्रक्चर इन विच द मसल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे जो है मसल्स ज्यादातर मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मस्कुलर। ठीक है बेटा, क्योंकि यूटेरस जो है ये बना हुआ होता है मसल्स का, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज द मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मस्कुलर, ठीक है बेटा। और जो इसका शेप होता है वो होता है पियर शेप, पियर शेप्ड ऑर्गन। ओके बेटा, पियर शेप्ड ऑर्गन। अगेन ये जो यूटेरस है बेटा, इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। देर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ यूटेरस। फॉर एग्जाम्पल, द टॉप रीजन ऑफ यूटेरस इज नोन एज फंडस, द मिडल पार्ट इज नोन एज बॉडी, एंड द बॉटम एंड पार्ट ऑफ यूटेरस इज नोन एज सर्विक्स। ठीक है बेटा, यूटेरस के भी तीन पार्ट होते हैं जिनके नाम है फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। कंसिस्ट ऑफ मेन थ्री पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल फंडस, एंड फंडस इज द टॉप रीजन ऑफ यूटेरस। उसके बाद है बॉडी, बॉडी इज द मिडल रीजन ऑफ यूटेरस, और उसके बाद है सर्वेक्स, एंड सर्वेक्स इज द बॉटम ऑफ द यूटेरस। ठीक है बेटा, मतलब के यूटेरस जो है, यूटेरस के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्वेक्स। ठीक है बेटा, और ये जो यूटेरस है बेटा, यूटेरस के सराउंडिंग में तीन लेयर्स मौजूद होते हैं। यूटेरस इज सराउंडेड बाय थ्री मेन लेयर्स। द इनर लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम, द मिडिल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम, एंड द आउटर लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम। यूटेरस इज सराउंडेड बाय थ्री लेयर्स, सराउंडेड बाय थ्री लेयर्स,
नंबर वन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इज ऑल्सो नोन एज इनर वास्कुलर लेयर। इनर वास्कुलर लेयर, ठीक है बेटा। और जो सेकंड लेयर होता है उसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। एंड मायोमेट्रियम इज ऑल्सो नोन एज मिडल मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर। और जो थर्ड लेयर होता है उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। द थर्ड लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम इज ऑल्सो नोन एज आउटर लेयर ऑफ यूटेरस, आउटर लेयर ऑफ यूटेरस, ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ पे एंडोमेट्रियम के साथ लिखा है कि इट इज द वास्कुलर लेयर। एंडोमेट्रियम इज वास्कुलर लेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वास्कुलर? वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल कंटेनिंग, ठीक है बेटा। इसके अंदर जो है ब्लड के वेसल्स मौजूद होते हैं और ब्लड वेसल के मौजूद होने की वजह से हम एंडोमेट्रियम को वास्कुलर लेयर भी कहते हैं। और मायोमेट्रियम में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मस्कुलर लेयर, इट इज अ मस्कुलर लेयर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मस्कुलर? इट मींस इट कंटेन द मसल्स, ठीक है बेटा। इसके अंदर जो है मसल के सेल और मसल जो है वो मौजूद होते हैं, ओके बेटा। अब हम यहाँ पे यूटेरस के फंक्शन को हाईलाइट करेंगे। देर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ यूटेरस बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यू फंक्शंस विल बी डिस्क्राइब्ड इन योर लेक्चर, ठीक है बेटा। उनमें से जो है हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस हैं यूटेरस के उनको डिस्क्राइब करेंगे। यूटेरस इज द ऑर्गन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इट इज ऑर्गन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। What is the menstruation? Menstruation is the process. It is a monthly process in which the blood debris is released from the female body out of the uterus. ठीक है बेटा, ये जो menstruation process है इसमें क्या होता है, female के body से जो है blood debris वो secrete हो जाता है, ठीक है बेटा। अब ये जो ब्लड सीक्रेशन हो रहा है फीमेल में, तो बेटा ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? इट कम्स फ्रॉम द एंडोमेट्रियम, ठीक है बेटा। दैट ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे एंडोमेट्रियम में पढ़ा है कि एंडोमेट्रियम इज द वास्कुलर लेयर, इट मीन इट कंटेन द ब्लड वेसल। तो जब ब्लड वेसल्स की ब्रेकेज हो जाती है तो उसके फौरन बाद मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। और ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम इज द पार्ट ऑफ यूटेरस, ठीक है बेटा। सो इन द इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू द यूटेरस ऑर्गन इज द ऑर्गन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है बेटा। सेकंड जो इसका मेन फंक्शन है वो ये है कि इट इज द साइट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जो फीटस होता है बेटा, एम्ब्रियो, उसकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है वो इस यूटेरस के अंदर होती है, ठीक है बेटा। साइट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ओके स्टूडेंट्स। मतलब कि जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है
फीटस का या तो फिर एम्ब्रियो का वो कंप्लीट होता है यूटेरस के अंदर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ यूटेरस इज दैट इट कंट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है बेटा, जब बर्थ का टाइम होता है, चाइल्ड के बर्थ का टाइम होता है, तो उसके दौरान जो है यूटेरस की कंट्रेक्शन स्टार्ट हो जाती है, और यूटेरस के कंट्रेक्शन स्टार्ट हो जाने के बाद जो है लेबर पेन स्टार्ट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो इट हेल्प्स ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बेबी। कंट्रैक्ट्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ओके बेटा, सो दीज आर थ्री मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ यूटेरस। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है आप फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं बेटा। बेटा ये जो है तीन मेन फंक्शंस हैं यूटेरस के, अगर किसी के पास क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो फ्रीक्वेंटली। बेटा अक्सा कांदड़ो आपने लिखा है सर फर्टिलाइजेशन अकर्स इन आइदर प्रोक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओके बेटा अक्सा, प्रोक्सिमल का मतलब होता है एंटीरियर पार्ट, मतलब कि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल, और डिस्टल पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एंड पार्ट, जो पोस्टेरियर पार्ट होता है। ठीक है, बट जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा ये ओविडक्ट के ना तो प्रोक्सिमल पार्ट में होता है और ना ही डिस्टल पार्ट में होता है। ठीक है बेटा, आपको याद रखना होगा कि फर्टिलाइजेशन जो है वो ओविडक्ट के मिडल पार्ट में होता है, जिसको हम एम्प्यूला रीजन कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो ओविडक्ट है उसके तीन मेन पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है बेटा, जो प्रोक्सिमल पार्ट है ओविडक्ट का उसको हमने नाम दिया था इन्फंडिबुलम का। ठीक है, और जो मिडल पार्ट है उसको हमने नाम दिया था एम्पुला रीजन का, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और जो डिस्टल पार्ट है ओविडक्ट का उसको हमने नाम दिया था इस्थमस का। ठीक है बेटा, अब आपको याद रखना होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट के मिडल वाले वाले रीजन में होता है, जिसको हम कहते हैं एम्पुला रीजन। ओके बेटा अक्सा कांदड़ो, बेटा मारिया आपने लिखा है सर फंक्शन फिर से रिपीट करें। ओके बेटा, बेटा मारिया जो यूटेरस है उसके तो बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं, बट उनमें से जो है हमने यहाँ पे कुछ फंक्शंस पे फोकस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जो यूटेरस है बेटा इसको हम ऑर्गन ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन?
मेंस्ट्रुएशन इज द मंथली ब्लड फ्लो फ्रॉम द फीमेल यूटेरस, ठीक है बेटा। और ये ब्लड फ्लो क्यों होती है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम रीजन होता है, जो इनर रीजन होता है यूटेरस का, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं बेटा। उनके ब्रेक डाउन होने के बाद जो है उन ब्लड वेसल से ब्लड सीक्रेट हो जाता है फीमेल बॉडी से, ठीक है बेटा। तो यूटेरस को हम ऑर्गन ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। और जो सेकंड फंक्शन है यूटेरस का, वो ये है कि जब फीटस प्रोड्यूस होता है बेटा, फीटस जब प्रोड्यूस होता है तो वो आके डेवलपमेंट करता है यूटेरस के अंदर, डेवलपमेंट और ग्रोथ यूटेरस के अंदर कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लेते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जेस्टेशन पीरियड जो होता है बेटा वो ह्यूमन बीइंग्स में 270 डेज होता है, मतलब कि 9 मंथ। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो बेबी अपने मदर के बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, तो ये जो है अपने मदर के यूटेरस के अंदर डेवलपमेंट हो रही है इसकी बेटा, ठीक है। मतलब कि ये जो यूटेरस है, इस यूटेरस के अंदर जो है बेबी की डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, ठीक है बेटा। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन है यूटेरस का, वो ये है कि ये कंट्रेक्शन करता है। जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है बेटा, जब जो चाइल्ड डिलीवरी का टाइम आता है, तो उस टाइम पे जो है ये जो यूटेरस है बेटा वो कंट्रेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। और इस कंट्रेक्शन की वजह से जो है फीमेल एक सुवेर पेन महसूस करती है, जिसका यही अंदाजा लगा जा सकता है कि अब जो है डिलीवरी का टाइम हो चुका है, ठीक है बेटा। ये जो है तीन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं यूटेरस के। ओके बेटा, आपका कांदड़ो। बेटा शाकिर, मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और बेटा अक्सा कांदड़ो, आपने लिखा है सर काफी एमसीक्यूज इससे रिलेटेड ही आते हैं कि आइदर प्रोक्सिमल डिस्टल सोवा, ठीक है बेटा अक्सा। अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए कि फर्टिलाइजेशन जो है ओवरेट डक्ट के कौन से रीजन में होता है, तो आप वहां पे टिक कर दें कि प्रोक्सिमल पार्ट में जो है ओवरडक्ट के प्रोक्सिमल पार्ट में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है बेटा अक्सा जी। बेटा एनी अदर क्वेश्चन? बेटा अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में नो क्वेश्चन लिख लें, ताकि मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर सकूं। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे लिख दो कि सर आप हमको आगे फॉरवर्ड करें। ओके बेटा, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजाइना। ओके, विजाइना इज द मस्कुलर ट्यूब। ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मस्कुलर? मस्कुलर का मतलब होता है मसल कंटेनिंग, ठीक है बेटा। मतलब कि ये जो ट्यूब है ये
मसल्स का बना हुआ होता है और ये यूटेरस के साथ कनेक्ट है बेटा, ठीक है। वेजाइना इज कनेक्टेड विथ द यूटेरस बाय द पोर्शन, ठीक है बेटा। जो पोर्शन होता है यूटेरस का, जो बॉटम वाला पोर्शन हमने पढ़ा था जिसको हमने सर्विक्स का नाम दिया है, तो ये जो विजाइना है वो यूटेरस के साथ उसके सर्विक्स वाले रीजन के थ्रू जो है कनेक्ट हुआ होता है। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट इज कनेक्टेड टू द सर्विक्स ऑफ यूटेरस, टू द सर्विक्स ऑफ यूटेरस। ओके बेटा, एंड ये जो बेटा विजेंडा है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फंक्शंस, इट इज द पासेज वे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। बेटा जब मेंस्ट्रुएशन होता है उसके दौरान जो ब्लीडिंग फ्लो होता है, तो ये ब्लड जो है, ये जो ब्लड डेब्रस होता है, ये ब्लड डेब्रस इस मस्कुलर ट्यूब के थ्रू जो है फीमेल बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। तो दिस इज द पासेज वे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो मेंस्ट्रुअल फ्लो। उसके अलावा जो सेकंड फंक्शन है वो ये है कि इट रिसीव्स द स्पर्म फ्रॉम मेल, ठीक है बेटा। जब मेटिंग का टाइम होता है तो मेल के पेनिस के थ्रू जो है स्पर्म्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं फीमेल के बॉडी में वेजाइनल ट्यूब के थ्रू। इट रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम मेल, ठीक है बेटा। एंड इट इज द फीमेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, ठीक है बेटा। ये जो पार्ट है फीमेल के बॉडी का, ये मेटिंग के दौरान जो है यूज होता है। इट दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ फीमेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। फीमेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपुलेशन? इट मींस मेटिंग प्रोसेस। कॉपुलेशन मींस मेटिंग प्रोसेस। एंड इट एक्ट्स एज डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है बेटा। जब फीटस के बर्थ का टाइम होता है, जब डिलीवरी का टाइम होता है, तो ये जो फीटस है न्यू बॉर्न बेबी, ये वेजाइनल ट्यूब के थ्रू फीमेल के बॉडी से बाहर जो है इसको निकाल दिया जाता है, ठीक है बेटा। एक्ट्स एज डिलीवरी ऑफ फीटस और बेबी, ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो ये हमारा एक शॉर्ट टॉपिक था जो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। बेटा यहाँ तक अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है आप फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हो। बेटा आपका कांदा आपने लिखा है सर, काइंडली एक्सप्लेन ब्लड डेब्रेस, ठीक है बेटा। आपका
बेटा ऐसा क्या होता है जब ओवरी से एग को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है बेटा, ठीक है, जब ओवरी से एग को रिलीज कर दिया जाता है तो ये एग आके इंटर हो जाता है ओविडक्ट में, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये एक ओवरी है, ठीक है, इस ओवरी के अंदर जो है ये एग मौजूद है बेटा। जब ये एग, ठीक है बेटा, जब ये एग जो है ओविडक्ट के अंदर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हम ओविडक्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है बेटा, दिस इज द ओविडक्ट, ओके बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे सिंपलीफाई मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये जो हमारे डायग्रामेटिक जो टॉपिक्स हैं वो हम कल करेंगे, ये यहाँ पे जस्ट मैं इनको सिंपल में ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, सो दिस इज द ओवरी, ये एक ओवरी है और इस तरफ भी एक ओवरी मौजूद होता है, मतलब कि फीमेल के बॉडी में दो ओवरीज मौजूद होती हैं। और जैसे ही बेटा ये जो एग है, दिस इज द एग, ठीक है, ये एग मंथली, ठीक है बेटा, आपको याद रखना होगा कि ये जो एग है वो एक मंथ में मेच्योर होता है, मतलब कि हर मंथ में एक एक ही जो है वो मेच्योर हो सकता है, क्योंकि पहले जो है ये एक इमेच्योर के फॉर्म में मौजूद होते हैं, उसके बाद जो है ये मेच्योर हो जाते हैं हर मंथ में, ठीक है बेटा। अगर ये एक यहाँ से मेच्योर हो जाएगा ओवरी में, तो इस एक को जो है ओविडक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा, दिस इज द ओविडक्ट, दिस इज ओविडक्ट, ठीक है बेटा। और जब हमने ओविडक्ट का टॉपिक किया था आज, हमने वहां पे ये भी डिस्कस किया था कि ओविडक्ट के जो ओविडक्ट का जो बेटा फर्स्ट पार्ट होता है जिसका नाम हमने दिया था इनफंडिबुलम में का, तो इस इनफंडिबुलम में जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको हमने कहा था फिम्बरी, ठीक है बेटा, दीज आर द फिम्बरी, ठीक है बेटा, ये जो फिम्बरी हैं इस एग को सक करेंगे, ठीक है, इसको जो है यहां से इसके साथ बाइंड हो जाएंगे और इस एग को ओवरी से जो है ओविडक्ट के अंदर लेके आएंगे, ठीक है बेटा, इसको जो है ओविडक्ट के अंदर लेके आएंगे ये फिम्बरी, ठीक है। अब आप यहाँ पे फर्ज करें कि ये जो एग है वो ओविडक्ट के अंदर एंटर हो चुका है, ठीक है बेटा, नाउ द एग हैज बीन एंटर्ड इनसाइड द ओविडक्ट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है बेटा, अगर फॉर एग्जांपल इस फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म जो है वो दाखिल होता है, ठीक है बेटा, ये जो है स्पर्म अगर इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, तो ये जो स्पर्म है बेटा, ये स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बेटा, और जायगोट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्पर्म जो है
फीमेल के बॉडी के अंदर जो है अगर नहीं आते, दाखिल नहीं होते, तो क्या होता है कि ये जो एग है बेटा, ये वाला एग, दिस एग, ठीक है बेटा, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ओविडक्ट में, ठीक है। अब इस एग को जो है रिमूव करना होगा, यहां से इसको जो है बॉडी से बाहर निकालना होगा, क्योंकि ये जो एग है बेटा ये अब फर्टिलाइज नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। अब जो है इसकी जो लाइफ टाइम है बेटा वो कंप्लीट होने वाली है, और इसके लाइफ टाइम के दौरान जो है इसको स्पर्म से फ्यूज होने का चांस नहीं मिला। अब जो है ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, और यहाँ से जो है ये रप्चर हो जाएगा, और इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो एग है इस एग को इंडिविजुअल में, मतलब कि अकेले में जो है इसको यहाँ से सीक्रेट करने में जो है बॉडी को डिफिकल्टीज होती हैं। तो क्या होता है बेटा, ये जो यूटेरस है, दिस इज द यूटेरस, ठीक है बेटा, ये जो यूटेरस है, यूटेरस की बेटा जो इनर लाइनिंग होती है, जिसको हमने नाम दिया था एंडोमेट्रियम, दिस इज द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस व्हिच इज नोन एज एंडोमेट्रियम, ठीक है बेटा। और इस एंडोमेट्रियम के अंदर जो है ब्लड के वेसल्स होते हैं, और इन ब्लड के वेसल्स में जो है ब्लड मौजूद होता है, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, मतलब कि एक के साथ स्पर्म फ्यूज नहीं होता, तो ये जो बेटा एंडोमेट्रियम है, दिस वन इज द एंडोमेट्रियम व्हिच इज इनर लेयर ऑफ यूटेरस, ठीक है बेटा। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब मैं जो है मैं इनको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मतलब कि एंडोमेट्रियम जो है ये यहाँ से कंप्लीटली रप्चर हो चुका है, ठीक है बेटा। और जैसे कि हमने पढ़ा एंडोमेट्रियम के अंदर जो है ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, और एंडोमेट्रियम के रप्चर हो जाने के बाद जो है ये ब्लड वेसल भी रप्चर हो जाते हैं, और इन ब्लड वेसल से जो है वो ब्लड बाहर डिस्चार्ज हो जाता है, और इस ब्लड के साथ जो है ये जो एग है बेटा वो कंबाइन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ म्यूकस फ्लूड भी इस ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जो ब्लड डेब्रस है बेटा, इट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड, द एग एंड द म्यूकस, ठीक है। अब ये जो ब्लड है बेटा इसके साथ ये एग कंबाइन हो जाएगा और म्यूकस कंबाइन हो जाएगा, और ये जो ब्लड है वो फीमेल के बॉडी से बाहर सीक्रेट कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ओके बेटा। और ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, ये मंथली जो है कंटिन्यू दोबारा हो जाएगा हर मंथ में। अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो है बेटा ये चाइल्ड के बर्थ तक जो है स्टॉप हो जाएगा, ओके बेटा। बेटा ये जो टॉपिक है इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डायग्रामेटिकली और इसको जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके आज का टॉपिक नहीं है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। बट आपके स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमको ये समझाएं, तो इसीलिए जो है मैंने आपको यहाँ पे सिंपली डायग्राम के साथ मैंने आपको समझाया है। बट इस टॉपिक को जो है हम दोबारा भी कल फिगर के साथ एक्सप्लेन करेंगे। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन?
बेटा क्वेश्चंस आप किया करें, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन करने से जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं बेटा। अगर ये डाउट्स आप अपने जहन में रखोगे तो आप जो है डाइवर्ट हो जाएंगे और आपको जो है कोई भी टॉपिक अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनमें ये इनको इंक्लूड किया गया हुआ है, तो आपके ऊपर भी ये एक होता है कि आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ें और क्लियर कर दें। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हो। ओके बेटा, परेशी साहब कोई मसला नहीं है। जी बेटा, अब हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद हम अपने इस क्लास को वाइंड अप कर देंगे। देयर आर डैश पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट। वन टू थ्री एंड फोर। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन डैश पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ऑप्शन ए एम्पला रीजन, ऑप्शन बी इन्फंडिबुलम, एंड ऑप्शन सी इज सर्वेक्स, ऑप्शन डी इज स्थमस। क्वेश्चन नंबर थ्री इज सर्वेक्स इज पार्ट ऑफ डैश, ऑप्शन ए ओविडक्ट, ऑप्शन बी यूटेरस, ऑप्शन सी एग, ऑप्शन डी ओवरी। क्वेश्चन नंबर फोर, देयर आर डैश लेयर्स सराउंड यूटेरस। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी टू लेयर्स, ऑप्शन सी थ्री लेयर्स, ऑप्शन डी फोर लेयर्स। ओके बेटा, आप जल्दी इन एमसीक्यूज को ऑप्शन सेंड कर दें। शाबाश बेटा। बेटा मारिया फैज ओठो एंड अक्सा कांगड़ो जो है आपने फर्स्ट एमसीक्यू का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही भेजा है, शाबाश बेटा। बेटा फैज ओठो आपने थर्ड का ऑप्शन सही भेजा है, शाबाश। बेटा शाकर आपने भी थर्ड ऑप्शन सही भेजा है, शाबाश। बेटा अक्सा आपने
फोर्थ ऑप्शन भी सही पे जाए, शाबाश शाबाश बेटा फैज उठो एंड मिस्टर शाकिर, आपने भी फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शन सही भेजे हैं। जी बेटा अक्सा, आपके क्वेश्चन भी देख रहा हूं मैं। जी बेटा प्रशिशा, आपका भी क्वेश्चन सही है, फर्स्ट ऑप्शन जो आपने लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का, शाबाश बेटा। जी बेटा मारिया, आपका भी क्वेश्चन सही है, फोर्थ नंबर, शाबाश। बेटा परिशिषा, आपका भी सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन, शाबाश। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आज एमसीक्यू जो है उसके इसको इसमें परफॉर्मेंस दी है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। बेटा जो ऑप्शन वन है उसमें जो हमसे पूछ रहा है कि ओविडक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है बेटा, ओविडक्ट के जो है तीन मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इनफंडिब्यूलम, ठीक है बेटा, इनफंडिब्यूलम। नंबर टू इज एम्पुला रीजन एंड नंबर थ्री इज इस्थमस। ठीक है बेटा, ये जो है तीन पार्ट्स होते हैं ओविडक्ट के। और सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन डैश पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ठीक है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है एम्पला रीजन में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको एम्पला रीजन, एम्पुला रीजन। ओके बेटा, इसमें जो है ऑप्शन ए सही है और फर्स्ट में जो है ऑप्शन सी सही है। और जो क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें लिखा हुआ है कि सर्वेक्स इज द पार्ट ऑफ डिश, सर्वेक्स इज द पार्ट ऑफ यूटेरस। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी इट इज द यूटेरस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ देर आर डिश लेयर्स सराउंड द यूटेरस, यूटेरस के बाहर जो है तीन मेन लेयर्स होते हैं, थ्री मेन लेयर्स। ठीक है बेटा, जो इंटरनल लेयर होता है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो मिडिल लेयर होता है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। ओके, और जो आउटर लेयर होता है उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। और ये जो तीनों लेयर्स हैं, ये तीनों लेयर जो हैं ये मौजूद होते हैं कहाँ पे, ये मौजूद होते हैं यूटेरस के बाहर, मतलब कि यूटेरस के सराउंडिंग में। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।